झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बेहद ही खास है। ये देखिए किस तरह से दुल्हन की तरह विधानसभा भवन को सजाया गया है। यह नवनिर्मित विधानसभा भवन है और देखिए कितने आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। इस बार विशेष रूप से भव्य तरीके से स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं। 3 दिनों तक यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ विधायक व सर्वश्रेष्ठ कर्मी सम्मानित किए जाते हैं। इस बार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा रचित पुस्तक जो है वो संसदीय दायित्व के 3 वर्ष नामक पुस्तक का भी लोकार्पण किया जाएगा। 23 नवंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी जिसमें कुमार विश्वास और उनके साथी काव्य पाठ करेंगे और विधानसभा द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। और फिर उसके अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को छात्र संसद का भी आयोजन किया गया है। कोरोना की वजह से हम कहें तो पिछले वर्ष उतने अच्छे तरीके से विधानसभा का स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार काफ़ी बेहद ही अच्छे तरीके से मनाने की तैयारी विधानसभा के द्वारा किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड के भी जो कलाकार हैं वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो मधु मंसूरी पद्मश्री हैं, मुकुंद नायक जी जो पद्मश्री हैं, वो सभी भी अपने कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो ये तैयारी आप देख रहे हैं किस तरह से आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। इस बार माले के विधायक विनोद सिंह सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर चुने गए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। जो 5 उत्कृष्ट कर्मी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में इस बार विधानसभा का स्थापना दिवस खास तौर पे मनाया जा रहा है, विशेष रूप से मनाया जा रहा है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधानसभा के नए भवन को जो कि लगभग 450 करोड़ से की लागत से बनी हुई है और उसको आकर्षक साज सज्जा यहाँ पर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो कुमार विश्वास हैं वो भी अपने कार्यक्रम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। तो झारखंड के लोगों को एक तरह से कहें तो मनोरंजन के भी कई साधन मिलेंगे और जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका पुस्तक भी विमोचन किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं पुराने भवन को भी, जो विधानसभा का पुराना भवन है उसे भी सजाया गया है विद्युत साज सज्जा से। तो ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है इस बार विधानसभा के द्वारा जो कार्यक्रम है। कोरोना के वजह से पिछले कई वर्षों से उतने उत्साह के साथ या उतना बड़ा रूप नहीं दिया जाता था कार्यक्रम का, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे तरीके से जो छात्र संसद भी आयोजित किए जा रहे हैं उसमें सड़क सुरक्षा को लेकर के जो विषय चुना गया है उस पर भी राज्य के 24 जिलों से और कहें तो कई विश्वविद्यालय के छात्र उसमें भाग लेंगे और सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा होगी। राज्य और केंद्र के संबंध पर जो एक दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें भी जो राज्य है जो केंद्र है उसके बीच किस तरह के संबंध होने चाहिए और वर्तमान के दिनों में क्या कुछ अलग रूप देखने को मिल रहा है, ये सभी विश्लेषण जो है इस सम्मेलन के माध्यम से किए जाएंगे। तो इससे भी काफ़ी लाभ यहाँ के नेताओं को, यहाँ के आम लोगों को मिलेगा कि किस तरह से केंद्र और राज्य को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, देश निर्माण में किस तरह से सहयोग करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा परिसर से देखने को मिलेगा। तो हम आपको ये विशेष तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए थे कि विधानसभा भवन को किस तरह से आकर्षित तरीके से सजाया गया है, आकर्षक रूप दिया गया है। अपने सहयोगी राजा के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।